हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज के आप सबके लिए एक नया वीडियो लेकर आओ। दोस्तों, आप इस वीडियो में बात करेंगे केकेआर टीम के प्लेइंग 11 के बारे में। और दोस्तों, अगर बात करें तो फिर जो मैचेस अभी हो चुके हैं, 9 मैचेस केकेआर खेल चुकी है, उसमें से सिर्फ 3 ही जीती है, और जितने मैचेस नहीं जीती है उसके बारे में कुछ अभी कर नहीं सकते। अभी बस आगे के बारे में केकेआर को सोचना है कि आगे क्या हो सकता है, 5 में से कितने मैचेस केकेआर जीत सकती है, ताकि फैंस को जो कम से कम खुश रख सके और जो यहाँ पे पीछे इतने मैचेस हारी है वो चीज़ जो आगे ना हो सके। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि अगर बात करा जाए, इंजरी का बहुत ज्यादा कंसर्न रहा है, जिस वजह से बहुत सारे चेंजेस करने पड़े। और दोस्तों, कुछ चीजें केकेआर ने ट्राई करी जो कि केकेआर के फेवर में नहीं गई, जैसे कि प्लेयर्स को जो 3 या फिर 4 पे प्रमोट करना, सुनील नारायण को बहुत बार किया गया, वो फेल रहे। साथ ही अनुकूल रॉय और पिछले मैच में शार्दुल को भी ऊपर भेजा गया, लेकिन वो भी फेल हो गए। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ चीजें जब फेल हो जाती है तो भी टीम जो काफी ज्यादा खराब लगती है, लेकिन वही चीज अगर चल जाती है तो भी लगता है कि कितना अच्छा जो ये डिसीजन था कि आप इनको ऊपर भेज दिया और इन्होंने रन भी बना दिया। तो दोस्तों, यहाँ पे ये चीज जो होती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे बात करते जो पीछे हो गया उसके बारे में सोच नहीं सकते। अभी दोस्तों 5 मैचेस बचे हुए, सारे के सारे मैचेस केकेआर को जीतने के बारे में सोचना चाहिए। अभी ऐसा कुछ नहीं कि आप पूरी तरीके से बाहर हो, अभी सारी टीमें जो मैचेस जीत रही है, तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि 7 मैच में भी कोई टीम क्वालिफाई कर सकती है, मतलब 7 जीत में भी कोई टीम जा सकती है, ऐसा भी हो सकता है। तो फिर दोस्तों, इस वजह से अभी कोई चीज कंफर्म नहीं है। इस वजह से जितने मैचेस हो सके उतने जो केकेआर को जीतने की कोशिश करनी चाहिए। और दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, तो इसके बारे में आपको लगभग से आइडिया मिल ही गया होगा कि अगर जेसन रॉय फिट रहते हैं तो फिर वो गुरबाज के साथ ओपन करेंगे, क्योंकि गुरबाज की पिछले मैच की पारी बहुत ही ज्यादा लाजवाब थी, और उससे पहले 3 मैच में जेसन रॉय ने बहुत कमाल का परफॉर्मेंस किया, तो फिर दोनों वो ओपन ही करेंगे। या फिर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सुनील नारायण को हटा के जो जेसन रॉय को लाना चाहिए, लेकिन दोस्तों, यहाँ पे मेरे हिसाब से वो चीज अभी केकेआर को नहीं करनी चाहिए। डेविड वीजा को पिछले 2 मैच में बॉलिंग नहीं कराया गया, तो फिर इस वजह से जेसन रॉय को आप उनके जगह पे ले आओ। फिर यहाँ पे बात करें वैभव अरोड़ा को ला सकते हो, क्योंकि वो पावर प्ले में 2 ओवर तो कम से कम करके देंगे। फिर यहाँ पे मिडल ओवर्स में भी कर सकते हैं, या फिर अगर उमेश यादव फिट है तो फिर आप उमेश को भी ला सकते हो, क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ जोश जाना चाहोगे। तो भी दोस्तों, यहाँ पे फिर शार्दुल ठाकुर है जिनसे जो केकेआर को बॉलिंग करवानी चाहिए, रसल काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, और फिर यहाँ पे 3 स्पिनर्स केकेआर के पास ऑलरेडी है, तो मतलब बॉलिंग करने के जो ऑप्शन है बहुत सारे है केकेआर के पास। तो केकेआर जो काफी इजिली से डेविड वीजा को बाहर करके जेसन रॉय को ला सकती है, और फिर ऊपर से जगदीशन को बाहर कर देगी, विकेट कीपिंग गुरबाज करेंगे, और जगदीशन की जगह पे केकेआर उमेश यादव या फिर वैभव अरोरा को ला सकती है। अभी मैं आप सबको एक बार फिर से प्लेइंग 11 बता देता हूं। तो फिर जेसन रॉय के साथ रेमोनेला गुरबाज ओपन करेंगे, 3 नंबर पे वेंकटेश अय्यर, 4 नंबर पे नितेश राणा, 5 नंबर पे रिंकू सिंह, 6 नंबर पे एंडरसल, 7 नंबर पे शार्दुल ठाकुर, 8 नंबर पे सुनील नारायण, 9 नंबर पे हर्षित राणा, 10 नंबर पे वैभव अरोरा, और 11 नंबर पे वरुण चक्रवर्ती, और फिर इंपैक्ट प्लेयर के रूप में श्रेयस शर्मा ही आने वाले। पिछले मैच खराब किया था, लेकिन आगे जो काफी अच्छा करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे पीछे के बारे में कुछ अभी केकेआर को सोचना नहीं चाहिए। जो बाकी मैचेस बचे वहां पे जितना हो सके उतना केकेआर को जीतना है, अच्छा क्रिकेट खेलना है, और मतलब हो सके तो प्लेयर्स के ऊपर थोड़ा सा भरोसा दिखाना है, बॉलिंग जो शार्दुल ठाकुर से करानी है। और दोस्तों, भले ही पेसर्स ने उतना खास परफॉर्मेंस नहीं किया, लेकिन दोस्तों यहाँ पे पेसर्स पे केकेआर को जो से भरोसा दिखाना पड़ेगा। बाकी दोस्तों, यहाँ पे प्लेइंग 11 कुछ इस तरह की होगी, जहाँ पे आप देख ही सकते हो कि बैटिंग जो काफी ज्यादा हैवी लग रही है, और केकेआर की यही प्लानिंग होगी कि अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं तो फिर रन जो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना जो बोर्ड पे लगा दे, या फिर चेस कर रहे हैं तो फिर वहां पे तो चेस करना जो बैटिंग अच्छा है तो फिर आसान हो ही जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे बाकी जो यहाँ पे जैसे मैंने बात करा, सारे मैचेस जीतने के बारे में सोचना है, और अभी प्लेऑफ्स का कुछ नहीं कह सकते कि क्या शायद से क्वालिफाई भी कर सकती है अगर सारे मैचेस जीत जाती है, या फिर 4 भी जीत जाती है और शायद से रन रेट अच्छा भी रहता है तो शायद से जो केकेआर टीम वैसे भी क्वालिफाई कर सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पे अभी ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, बस जो केकेआर को मैच जीतने के ऊपर देखना चाहिए। बाकी दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। आप लोगों के हिसाब से क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए वो भी आप लोग कमेंट करके जो बता। बाकी आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।